चीन में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इस बीच स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर एक कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस वक्त घर में घुसकर पालतू कुत्ते की हत्या की, उस वक्त उसकी मालकिन कोरोना के चलते आइसोलेशन में थी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। डेली मेल के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों ने जियांग्सी प्रांत के शांगराव के एक घर में घुसकर कुत्ते के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पीपीई किट पहने लोगों को कुत्ते पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने पालतू कुत्ते को रॉड से पीट पीट कर मार डाला। कोरोना लक्षण की शंका के चलते हत्या। कुत्ते की मालकिन जिसका नाम फू है, उस समय घर के बाहर एक होटल में आइसोलेशन में थी। हालांकि उसकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव थी, लेकिन उसके कुत्ते का टेस्ट होना बाकी था। कथित रूप से कुत्ते ने कोरोना के लक्षण होने के चलते उसकी हत्या कर दी गई। वीडियो सामने आने के बाद उठ रहे सवाल। कुत्ते की मालकिन फू को उसके आवासीय परिसर में कोरोना पॉजिटिव मामलों का पता चलने के बाद घर छोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके कुछ ही घंटों बाद सीसीटीवी फुटेज में दो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एक रॉड और एक प्लास्टिक बैग लेकर उसके घर में प्रवेश करते हैं। वह कुत्ते को खोजते हैं जो एक टेबल के नीचे छिपा होता है, फिर उसके सिर पर क्राउबर से वार करते हैं। इस कृत्य ने कोरोना वायरस से निपटने के कठोर तरीकों के बारे में बहस छेड़ दी है। वेल दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।